महाराष्ट्र की राजनीति में आज तक तो ताज पलट चुका है। एकनाथ शिंदे आज वर्तमान समय में मुख्यमंत्री पद पर चयनित किए गए हैं। आइए जानते हैं उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा और क्या कुछ उनके इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया है। इसके अलावा कौन रहा उनका राजनीतिक गुरु और यहाँ तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया। महाराष्ट्र की सियासत में ऑटो ड्राइवर से अपनी जिंदगी शुरू करने वाले एकनाथ शिंदे ने 80 के दशक में राजनीतिक पारी का आगाज शिवसेना के साथ किया था। शिवसेना में एक कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े और तेजी से सियासी बुलंदियां छूते चले गए। निगम पार्षद से विधायक और मंत्री तक का सफर तय किया। अब वे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे और एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देवेंद्र फडणवीस ने यह ऐलान कर सभी को चौंका दिया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम बनेंगे और भाजपा उन्हें अपना समर्थन देगी। महाराष्ट्र में 9 फरवरी 1964 को जन्मे एकनाथ शिंदे सतारा जिले के पहाड़ी जवाली तालुका से आते हैं और मराठी समुदाय से हैं। एकनाथ शिंदे ने 11वीं कक्षा तक थाने में ही पढ़ाई की और इसके बाद वागले एस्टेट इलाके में रहकर ऑटो रिक्शा चलाने लगे। ऑटो रिक्शा चलाते चलाते एकनाथ शिंदे 80 के दशक में शिवसेना से जुड़ गए और पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के तौर पर अपना सियासी सफर शुरू किया। महाराष्ट्र की राजनीति मुंबई से सटे थाने जिले के सबसे प्रभावशाली नेताओं में एकनाथ शिंदे की गिनती होती है। लोकसभा का चुनाव हो या नगर निकाय का, थाने में जीत के लिए एकनाथ शिंदे का साथ जरूरी माना जाता है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर काम किया और थाने के प्रभावशाली नेता आनंद दीघे की उंगली पकड़कर आगे बढ़े। एकनाथ शिंदे 1997 में थाने महानगर पालिका से पार्षद चुने गए और 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता बने। इसके बाद दोबारा साल 2002 में दूसरी बार नगर निगम पार्षद बने। इसके अलावा 3 तक पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य रहे। हालांकि दूसरी बार पार्षद चुने जाने के 2 बाद ही विधायक बन गए, लेकिन शिवसेना में सियासी बुलंदी साल 2000 के बाद छू सके। थाने इलाके में शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद दीघे का साल 2000 में निधन हो गया। इसके बाद ही थाने में एकनाथ शिंदे आगे बढ़े। इसी बीच 2005 में नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ दी, जिसके बाद एकनाथ शिंदे का कद पार्टी में बढ़ता चला गया। एकनाथ शिंदे का ग्राफ शिवसेना में तो बढ़ा ही बढ़ा और ठाकरे परिवार के करीबी भी बन गए। उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे मजबूती से खड़े रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज।